नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रह सितारे और हम में। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको बताएंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, टैरो और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सीमा जी, सबसे पहले बात कर लेंगे आज के पंचांग के बारे में, जानेंगे कि आज का पंचांग हमें क्या कहता है। तो आज के पंचांग के बारे में देखते हैं। आज है 27 जुलाई 2023, दिन गुरु का है आज, और श्रवण मास, और जिसमें कि अधिक मास का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि जो कि 3:41 को रहेगी, और उसके पश्चात दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्रों की अगर हम बात करते हैं तो आज विशाखा नक्षत्र है और राहु काल दोपहर 1:47 से 3:25 तक रहेगा। सूर्य इस माह पूरे कर्क राशि में है, और चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा तुला राशि में संचार होगा। सूर्योदय 5:38, तो ये था आज का पंचम। जी सीमा जी, अब बात हम कर लेंगे आज के दिन विशेष के बारे में, जानेंगे कि आज का दिन किन मायनों में विशेष है। बिल्कुल सजन, तो आज क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सावन मास चल रहा है और भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में जा चुके हैं, अधिक मास का समय है, और अधिक मास और दक्षिणायन जब सूर्य है, ये एक बहुत अच्छा संयोग है। इस समय आप जो भी पूजा पाठ धार्मिक कृत्य करते हैं उनका बहुत लाभ मिलता है। तो आज चूंकि बृहस्पतिवार का दिन है, बृहस्पतिवार भी भगवान विष्णु का दिन होता है, और भगवान विष्णु की अगर पूजा की जाए आज के दिन, तो उनका विधि विधान से पूजा करने से, उन्हें प्रसन्न करने से उनका वरदान हमें प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है, और यह आशीर्वाद आपके आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ धन वृद्धि में भी सहायक होता है। तो गुरुवार जो है, जो भगवान जो बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु भी हैं, तो जो शैक्षणिक कार्यों में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन खास है। तो गुरुवार के दिन क्या किया जाए कि बृहस्पति देव की, विष्णु भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो, और आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भी गुरुवार की उपासना की जाती है, गुरुवार के दिन व्रत किया जाता है। तो एक ही दिन बहुत सारा महत्व है आज के दिन का। जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है, और चूंकि बहुत बड़ा प्लेनेट होने की वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर की अच्छी दशा चल रही है तो आपके कार्यों में एक्सपेंशन देता है, और अगर मान लीजिए जुपिटर की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में सही नहीं है, तो दिन आपको विशेष उपाय करने से उसके फायदे मिलेंगे, उसका परिणाम होगा। तो आज के लिए उपाय कि भगवान विष्णु की उपासना के लिए केले की जड़ में अगर घी का दीपक जलाया जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा रहता है। आज विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु नाम मतलब विष्णु चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, और पीले रंग के फल का दान कर सकते हैं, आम केला इत्यादि फलों का दान या चने की दाल का दान किया जा सकता है, और इस प्रकार बृहस्पतिवार की शुभता आपको प्राप्त हो सकती है। जी सीमा जी, अब हम बात कर लेंगे आज के राशियों के बारे में, जानेंगे कि आज की राशि किस राशि का दिन कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले बात कर लेंगे मेष राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन इनके लिए कितना विशेष रहने वाला है। बिल्कुल, तो जो मेष राशि वाले हैं, जो अरीज है, आज उनके लिए कुछ कुछ अच्छा दिन है, और हो सकता है कि कोई आपकी जो रुका हुआ काम है वो आज पूरा हो, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों की सलाह से आगे बढ़े, वो तो जो रुके हुए काम है उनको गति मिल पाएगी, और जो यंगस्टर्स हैं
हो सकता है कि उनके लिए आज कुछ नए डोर ओपन हो, वो जो चाह रहे थे, जो एम उन्होंने डिसाइड किया था, उनके लिए उन्हें नए रास्ते देखने को मिलेंगे। अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। और अगर हम बात करें हेल्थ की, तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नरम गरम आपका स्वास्थ्य रह सकते हैं। तो दिन की शुरुआत अगर माता लक्ष्मी को या दुर्गा माता को पुष्प अर्पित करने से करें, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं आज उन्हें और दिन की शुभता प्राप्त करें। जी सीमा जी, अब हम बात कर लेंगे वृषभ राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन इनके लिए कितना खास रहेगा। वृषभ राशि वाले जो टॉरस हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत ही अच्छा है और उनका मन जो है मेंटली काफी वो रिलैक्स रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा। जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अपने शारीरिक तकलीफ में थे, हो सकता है कि आज उन्हें अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाए, स्वास्थ्य में सुधार होने के संकेत। ऑफिस में जो काम करते हैं, जो लोग जॉब पे हैं, उनके आज काम अच्छे होने के संकेत हैं, अच्छे तरीके से पूरे होने के संकेत हैं। स्टूडेंट्स आज कुछ नया सीख सकते हैं, नया सीखने का उन्हें मौका मिलेगा। आज बड़े बुजुर्गों के साथ में दिन बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा, हो सकता है उनके साथ आपका दिन बीत गए और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आज माँ दुर्गा की आरती से अपने दिन की शुरुआत। जी सीमा जी, बात कर लेंगे मिथुन राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन इनका कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जो जेमिनाई हैं, आज उनका दिन बहुत अच्छा है, काफी हंसी खुशी प्रफुल्लित रहेगा उनका दिन, मौज मस्ती वाला दिन है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि उन्हें आज कोई नई जिम्मेदारी प्राप्त हो। व्यवसाय के से जुड़े हुए लोगों को आज कुछ लाभ होने के संकेत हैं, हो सकता है कि व्यवसाय में कुछ अच्छा काम हो, कुछ लाभ की प्राप्ति, कुछ प्रॉफिट की प्राप्ति हो सकती है। प्रॉपर्टी का काम जो कर रहे हैं, हो सकता है कि जो रियल एस्टेट में हैं और जमीन जायदाद से जुड़े हुए हैं, उनकी और भी मुनाफे के संकेत देखने को मिल रहे हैं। आज दिन की शुरुआत माँ दुर्गा को नारियल समर्पित करने से करें, पूरे मनोभाव से अच्छे के लिए, अच्छे कार्यों के संपादन के लिए और मन में ऐसा विचार करके माँ दुर्गा को नारियल समर्पित। जी सीमा जी, बात कर लेंगे कर्क राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन इनका कैसा बीतने वाला है। कर्क राशि वाले आज जो कैंसर कैंसेरियंस हैं, उनके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी अगर फैसला करने हैं तो उसमें बहुत सावधानी, बहुत सोच समझ के फैसला करें। कहीं पैसा लगाने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हैं, तो जरूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ली जाए जो उस मामले में एक्सपर्ट हो, मतलब जिस फील्ड में आप पैसा डाल रहे हैं उस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज हो, उनकी सलाह लेकर ही पैसे डालें। आज भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। जो लोग टीचिंग जॉब में हैं, जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। तो दिन की शुरुआत माँ दुर्गा के सामने घी का दिया जलाने से करें। जी सीमा जी, अब हम बात कर लेंगे तुला राशि सिंह राशि वालों की, जानेंगे कि आज के दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए आज काफी अच्छा दिन नजर आ रहा है। मेंटल स्टेटस काफी अच्छा रहेगा आपका, सारी तरफ के स्ट्रेस से दूर और खुशी आपके मन में रहेगी। जो लोग जॉब से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि उनके लिए आज तरक्की या प्रमोशन के रास्ते खुले, आज उन्हें कोई तरक्की की गुड न्यूज मिल सकती है। व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें आज कुछ आर्थिक लाभ हो सकते हैं, आर्थिक लाभ की संभावनाएं उन्हें व्यापार में नजर आ रही है। अगर कई दिनों से वाहन लेने का प्लान है आपका और आप कोई खरीदना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए शुभ है, आज आप वाहन खरीद सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत किसी कन्या का आशीर्वाद लेकर करें, उन्हें भोजन या वस्त्र का दान दें और उन पर करें।
जी सीमा जी, अब बात कर लेंगे कन्या राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन इनके लिए कितना विशेष रहने वाला है। तो कन्या राशि वाले जो कि वर्गो हैं, जिनके कुछ जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों से जुड़े हुए हैं या जिनके कुछ केस चल रहे थे कई समय से, तो आज उनका कार्य जो है वो पूर्ण होने के संकेत हैं। कार्य समय पर होंगे और जो अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण हो पाएंगे। जो लोग जॉब से जुड़े हुए हैं, जो लोग जॉब प्रोफेशन में हैं, उनके ऑफिस में हो सकता है कि उनको कुछ नए प्रोजेक्ट के जिम्मेदारी मिले और उस प्रोजेक्ट में उन्हें काफी सहयोग भी मिलेगा अपने जूनियर्स से और उनका प्रोजेक्ट काफी अच्छा रहेगा। जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं जो स्टूडेंट्स, और उनका भी दिन अच्छा है, और हो सकता है कि आज अगर कोई चाहते हैं आवेदन करना तो आज के दिन उन्हें आवेदन का फॉर्म भर देना चाहिए क्योंकि आज का दिन आपके लिए शुभ है। दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के 11 मंत्र का जाप करने से करें तो दिन की शुभता आपको प्राप्त। सीमा जी, बात कर लेंगे तुला राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कितना खास रहने वाला है। तुला राशि वाले जो कि लिब्रा है, आज आपका दिन भी बहुत अच्छा है। तो जो काम कई दिनों से रुके हुए थे आज उनके काम पूरे होने के संकेत हैं, आज उनके काम पूरे हो सकते हैं। जो लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए काफी अच्छा अवसर है, उन्हें बहुत अच्छे अवसर मिले, करने का मौका मिले। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में कुछ नई जिम्मेदारियां राजनीति के क्षेत्र में आ सकती हैं और उनके काम की सराहना हो सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, जॉब में हैं, उनके तरक्की के संकेत हैं। कुल तो मिलाकर आपका दिन तुला राशि वाले का बहुत अच्छा है। आज अगर आप दिन की शुरुआत अपने माथे पर मुंडी का तिलक लगाने से करें तो भाग्य आपके साथ में होगा और भगवान विष्णु की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त। जी सीमा जी, बात कर लेंगे वृश्चिक राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन इनका कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जो स्कॉर्पियंस हैं, आज आपकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी है और दिन भर प्रसन्नता का माहौल, हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें कोई अच्छी गुड न्यूज आज मिल सकती है। और जो कोई व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, उनको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति आज के दिन बेहतर नजर आ रही है और कोई लंबी स्वास्थ्य परेशानियों से अगर आप जुड़े हुए थे तो आज स्वास्थ्य लाभ आपको नजर आ रहा है। स्वास्थ्य से जो संबंधित जो परेशानियां चली आ रही थी उनसे आपको मुक्ति या छुटकारा मिलेगा। आज प्रातः माता दुर्गा के दर्शन करें, उनकी उपासना करें, उनकी आरती करें और दिन की शुभता प्राप्त करें। जी सीमा जी, अब हम बात कर लेंगे धनु राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। राशि वाले जो सेजिटेरियस हैं, आज कुछ नए माइलस्टोन आप अचीव करेंगे, कुछ नई आप काम करेंगे जो कि बहुत सराहना जिसको मिलेगी। जो भी काम आप करते हैं उसके सोशली उसको काफी अप्रिशिएट किया जाएगा और जो तो ट्रांसपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके कार्यों में आज मुनाफा होने के संकेत हैं, लाभ प्राप्ति के संकेत हैं। महिलाओं को आज थोड़ी सी रसोई के काम काज से मुक्ति मिलेगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा, तो महिलाओं के लिए भी समय अच्छा है। आज अगर हम दिन की शुरुआत अगर धनु राशि वाले माता दुर्गा को एक नारियल समर्पित करके करते हैं तो दिन की शुभता आपको प्राप्त। जी सीमा जी, बात कर लेंगे अब मकर राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन इनका कैसा बीतने वाला है। तो कैप्रिकॉन्स जो कि मकर राशि है, उनका आज का दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे और सामान्य रहने के संकेत हैं। तो दिन जो है वो सामान्य रहेगा और जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को आज मिल सकते हैं। कोई भी पैसा अपना किसी को उधार देने से आज के दिन आपको बचना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतर है।
और स्वास्थ्य की तरफ कुछ खास सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य आज आपका नरम गरम रह सकता है। तो दिन की शुरुआत गाय को रोटी खिलाने से करें। जो घर की पहली रोटी है वो गाय के लिए निकालें और उसमें थोड़ा घी और चीनी लगाकर और फिर गाय को रोटी खिलाएं, तो शुभता आपको प्राप्त। जी सीमा जी, बात कर लेंगे कुंभ राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कितना विशेष रहने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जो कि एक्वेरियस हैं, आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर है, काफी शुभ है, अच्छे परिणाम लाने वाला है। आज हो सकता है कि अपने किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी और उनसे बातचीत हो। जो लोग अनमेरिड हैं और विवाह करना चाहते हैं, आज उनके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। फैमिली लाइफ अगर हम देखें तो वो अच्छा है, सुखमय है और फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा। बच्चों का जो बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनका ध्यान आज पढ़ाई में कम और खेल में ज्यादा रहेगा, तो ये परेशानी आपको आ सकती है। तो जो कुंभ राशि वाले हैं उन्हें रुई की बाती किसी धर्मस्थल पर दान करनी चाहिए। किसी मंदिर में रुई की बनी हुई बातियां अगर आप दान करते हैं तो दिन की शुभता। जी सीमा जी, अब बात कर लेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कितना खास रहने वाला है। मीन राशि वाले जो कि पिसेस हैं, उनका दिन आज अच्छा है। जो भी वो कार्य सोच रहे थे वो जल्दी पूरा भी होगा और उसके रिजल्ट भी अच्छे मिले। जो लोग बिजनेस में हैं, खासतौर पर लोहे के बिजनेस में हैं, आज उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होने के साथ ये थे जितनी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी उससे ज्यादा मुनाफा उन्हें प्राप्त हो सकता है। जो घर के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रह सकता है। नवीन दादा से जो जुड़े हुए मामले हैं, जो लोग उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हो सकता है कि उनके आज समाधान उन्हें प्राप्त हो जाए। नवीन दादा से जुड़े हुए मामलों के समाधान प्राप्ति के संकेत आज बन रहे हैं। आज दिन की शुरुआत बड़ों का आशीर्वाद लेने से करें, और अगर माता पिता के चरण स्पर्श करकर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो दैन बहुत। स्वागत है, सीधा रुख करेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ। तो सीमा जी, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितेश, ये दंतेवाड़ा से है और इनका सवाल है कि इनके बड़े भाई कहीं चले गए हैं, पुलिस में भी रिपोर्ट कराई गई है लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है, वो कब तक वापस आ पाएंगे। नितेश, देख लेते हैं कि आपके बड़े भाई की सिचुएशन क्या चल रही है। तो पहला कार्ड तो मुझे जो नजर आ रहा है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का, नाइट ऑफ सोर्ड्स का और थ्री ऑफ कप्स का। तो नितेश जी, मैं देख पा रही हूँ कि आपके भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर आप रहते हैं उससे काफी दूर जा चुके हैं। हो सकता है कि ओवरसीज या किसी विदेश में भी हो, इसकी भी संभावना नजर आ रही है। बहुत अग्रेसिव एफर्ट उनको वापस लाने के लिए आपको करने होंगे, और खास तौर पर मैं जो देख पा रही हूँ, जो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, चारों तरफ आपको अच्छे एफर्ट डालने होंगे तभी वो वापस आ पाएंगे। और फ्यूचर जो उनका दिख रहा है कि वो वापस डेफिनेटली आएंगे और आप लोग अपने भाई की वापसी से काफी खुश भी होंगे। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि वापस आ पाएंगे वो। तो अगर मैं अगस्त का कार्ड देखूँ तो अगस्त और सितंबर में मुझे दोनों ही पॉजिटिव कार्ड नजर आ रहे हैं, और अगस्त सितंबर तक उनके वापस आने के पूर्णतया संकेत है। और आपके लिए सलाह ये रहेगी कि अगर आप उनकी वापसी के लिए अखंड रामायण का पाठ करते हैं तो उससे आपको फायदा मिलेगा। अखंड रामायण का पाठ घर पे करें, 24 घंटे में समाप्त हो जाती है अखंड रामायण का पाठ, और अखंड दीपक जलाएं अखंड रामायण का पाठ जब करते हैं तो भाई के जल्दी आने में आपको मदद मिलेगी। और अगर कुछ और सलाह अगर आप चाहती हैं तो आप हमसे पास में भी बातचीत कर सकते हैं। जी सीमा जी, अगले दर्शक ने हमसे सवाल किया है, इनका नाम है नितिन और ये बिलासपुर से हैं। इनका सवाल है कि ये बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कब तक इनका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो नितिन जी, देख लेते हैं कि आपके एग्जाम कब तक क्लियर हो पाएंगे। तो हम पहले अभी आपका आउटकम निकाल लेते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं, और
नितिन जी, मैं देख पा रही हूँ कि पिछले कुछ समय से आपकी तैयारी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। कुछ विवादों में, कुछ कठिन परिस्थितियों के कारण आपकी तैयारी में आप पूरा ध्यान नहीं दे पाए हैं, लेकिन आप फिलहाल फोकस हो गए हैं और आप पूरी तरीके से चाहते हैं कि आपका उस जॉब में आपकी नौकरी लग जाए और फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो अगर हम 2023 की बात करते हैं, तो 2023 में आपकी नौकरी लगने के पूर्णतया संकेत हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरीके से डेडिकेटली डिसिप्लिन के साथ में वो मेहनत करनी होगी, और अगर आप पूरे जुनून के साथ में मेहनत करते हैं तो आपको इस जॉब से लगने से कोई रोक नहीं सकता। आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये रहेगा कि अपने लाइफ के डिसिप्लिन बनाकर रखें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, टाइम से खाना खाएं। अगर आप अपना दिनचर्या नियमित रखते हैं तो आपको अपने गोल अचीव करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। मतलब सोने, खाने, उठने, बैठने और पढ़ने का समय निश्चित करें। और साथ के साथ में आपके लिए मैं एक उपाय देना चाहूंगी कि अगर आप संकट मोचन हनुमानस्टर का पाठ करते हैं तो आपको अपनी जॉब लगने के चांसेस बहुत जल्द आपकी जॉब लग सकती है। जी सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी टैरो वास्तु और ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ ग्रह सितारे और हम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।